पता है क्यों लग रहा है कि युवा पटका हुआ है? कारण पता है, बस यही कारण है। मेरे 8 से 9 जो ऑब्जेक्टिव चल रहे थे जिनका कोई औचित्य नहीं है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पे पढ़ के कभी सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे अच्छी तरीके से पता है। तभी तो मैंने पिछले 5 साल से यूट्यूब पर कभी लेके नहीं आया, लेकिन ट्रेंड में चलना पड़ा, उसमें लाइव ज्यादा आएंगे, मुझे पता है लाइव आएंगे, तभी मेरी भी मजबूरी हो गई और मुझे ऑब्जेक्टिव कराने पड़े। जिस दिन एग्जाम देने जाओगे किसी का भी एक भी ऑब्जेक्टिव याद आ जाए ना, तो भाई टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं खुद लेके आ रहा हूं, मैं खुद की बुराई कर रहा हूं। और ये काम क्या आएंगे, ये टॉपिक काम आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि युवा को नौकरी चाहिए ही नहीं, क्योंकि जिसे नौकरी चाहिए वो डिटेल वाला टॉपिक ही पड़ेगा, और नहीं चाहिए वो ऑब्जेक्टिव में आइए, आनंद लीजिए, ए बी सी डी करिए और टाइम पास करिए आराम से। मुझे किस चीज में जरूरत है, मैं ऑब्जेक्टिव करूं भाई साहब, मुझे 10 मिनट नहीं पढ़ना पड़ता, सीधे प्रश्न टाइप करवाइए ये करते बता दूंगा 1 घंटा में। लेकिन जब मैं डिटेल करवाता हूं ना, जोर आता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है मुझे। मैं यहां तक पहुंचा हूं तो सिर्फ इसलिए कि मैंने आज तक आप देख लो डिटेल ही करवाया, ऑब्जेक्टिव नहीं कराया, उन्हीं से सिलेक्शन होगा, इनसे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन क्या करें यार, ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है। तो पढ़ने वाले बच्चे ये इतने 2000, बाकी ऑब्जेक्टिव में अभी 5000 आ रहे हैं, जैसी भर्ती आएगी 10000 हो जाएंगे, सच में पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ने वाले ये इतने हैं जिन्हें सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन आप देखो, सिलेक्शन की दौड़ में कितने हैं। आप इस समय YouTube खोल के देखना, सब ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। मैं भी करवा रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, लोगों को जो चाहिए वो चीज देनी पड़ती है। लेकिन जब डिटेल करवाते हैं तो जोर आता है भाई साहब, मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ने वाले आप इतने ही हो, कंपटीशन ज्यादा नहीं है, ये अभी बोल रहा हूं मैं, कंपटीशन ज्यादा नहीं है। और मैं ऑब्जेक्टिव तो 12 घंटे पढ़ा सकता हूं, कहां जोर आता है भाई साहब, लेकिन 12 घंटे कोई डिटेल करवा के दिखा दो टॉपिक वाइज, जोर आता है भाई साहब। ऐसी नहीं होती, यूट्यूब पे 1 घंटा डिटेल करवाने के लिए 3 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। तो चिंता न करें, डरने की कतई जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव जिस दिन जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना याद रहा, उसे यहाँ करवाया थोड़ी रहा, ऑब्जेक्टिव तुम खुद निकालो। लेकिन मजबूरी है मेरी कि मुझे ट्रेंड के साथ आज चलना पड़ा है, वरना तो डिटेल वाला ही करवाता मैं, और यही इच्छा यही करवाने में आनंद आता है। ठीक है, अब आपको जो चीज चाहिए वो हम लेके चल पड़े, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि डिटेल वाली चीजें पढ़िए, ऑब्जेक्टिव वाले ऑब्जेक्टिव खुद निकालो, यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव के बाढ़ पर भी फायदा हो जाए तो मेरी गारंटी। नारे लगा देना सुभाष सारण मुर्दाबाद कि मैं ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पे पढ़ के मेरा सिलेक्शन हुआ। किसी भी आज तक राजस्थान के 2 या 3 ही चैनल है जो डिटेल से पढ़ाते हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव है, हमें भी ऑब्जेक्टिव लेके। मैं आज यहां तक पहुंचा हूं तो सिर्फ इसलिए कि मैंने हमेशा डिटेल वाले टॉपिक करवाई। मैं भी शुरू से बहुत 5 साल पहले ऑब्जेक्टिव लग जाता ना, तो ना तो आप कभी मुझ पर ट्रस्ट करते और ना ही कभी मैं आपका ट्रस्ट जीत पाता, विश्वास जीत ही नहीं पाता। तो इसलिए मैं आज भी मैं इस चीज को कभी नहीं छोड़ूंगा जिस चीज से, क्योंकि सिलेक्शन इन्हीं चीजों से होगा बस। इसलिए इन चीजों को पढ़ो ढंग से और सिलेक्शन यही करवाएंगे, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव खुद निकालो, इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव खुद निकालो, मजबूरी, जबकि मुझे पढ़ना बिल्कुल नहीं पड़ता। ऑब्जेक्टिव मैं लेके आऊंगा, मुझे रत्ती पर भी नहीं पढ़ना पड़ता, टाइप करवाए और सीधे आगे इसका उत्तर ये 4 बात बता दी, हरदी घाटी युद्ध किसके बीच में हम मानव प्रताप मानसी 4 बात बता दी, मानसी भाई ऑब्जेक्टिव हरदी घाटी युद्ध में 1.5 घंटे लगते हैं। कभी पढ़ना मुझसे ऑफलाइन आके हरदी घाटी में तुम्हें बताऊंगा, 1.5 घंटे सिर्फ हरदी घाटी में लगते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। तो डिटेल पढ़ लो तो अच्छा होगा, ऑब्जेक्टिव के चक्रों में मत रहो। मैं खुद करवा रहा हूं, मैं मेरी निंदा कर रहा हूं कि मैं छात्रों के साथ गलत कर रहा हूं, वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मेरी मजबूरी है ट्रेंड के साथ चलने की। चलो कोई बात नहीं, पटवारी परीक्षा कब होगी, हे परमात्मा मुझे नहीं पता कब होगी, जब भी होगी तुम्हें पता चल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, दुखी हूं मैं इस चीज से, क्या करूं, चलना पड़ता है, दुखी डिटेल से सिलेक्शन होता है। 2000 आए हैं, ऑब्जेक्टिव में 5 गुना आने शुरू हो जाएंगे, 5 गुना क्यों, क्योंकि सिलेक्शन किसी को चाहिए ही नहीं, हकीकत है सिलेक्शन नहीं चाहिए। मैं ऑनलाइन में स्पष्ट बोलता हूं, कसम खिला के मत पढ़ना ऑब्जेक्टिव। और एक बार अगर बच्चे बैठे हैं तो मैंने खुद बोला था कि जिस दिन मैं ऑब्जेक्टिव लेके आने लग जाऊं तो समझ लेना मैं कामचोर हो गया उस दिन। तो मेरी बात बोली कि मुझे रहना है तो मैं डिटेल ही करवाऊंगा, पॉलिटिकल एक डिटेल का घंटा अवश्य लूंगा हमेशा, और इन्हीं चीजों को पढ़ो, ऑब्जेक्टिव पढ़ो तो ठीक है, मत पढ़ो तो मत पढ़ो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो